तो ये लोकेशन है बाकली और इससे 500 मीटर की दूरी पे नायरा फ्यूल स्टेशन है। अमरेंद्र बाहुबली टा 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 लस्सी ना भी पीवा तो कुलचा खाना खाना रोज कुलचे तो बिना तो गल बननी नहीं या भठूरे आ जाए कुछ भी आए मैं दरबार साहब वग जाना तो बस लंगर प्रशादा छक के फिर आना पूरी तसल्ली का। नहीं उही गल है ना गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। कल जैसे कि हम आए हुए थे चकुटिया में और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं भाई नींद खुली टाइम पे और समझ नहीं आई यार कल रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। पर फिलहाल के नज़ारे देखो ना मस्त और के आहा। तो बात की जाए सुबह के नज़ारों की आनंद आ गया भाई साहब गजब सीन दिख रहे हैं गजब। तो ये है हमारी धन्नो जो कि रात को यहाँ पे पार्क थी मस्त करके। गुड मॉर्निंग धन्नो हमारी शाइन। तो दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। हमारे यहाँ के जो धान के बीज है ना वो लगभग 8 इंच 9 इंच 1 फीट होंगे और यहाँ के धान के बीज देखो भाई देखो ज़रा कितने बड़े और के बीज देखो। हाँ बड़ी खेती है यहाँ पे भी बहुत भयंकर खेती और यहाँ पे लगा है गाजर का बोर्ड। तो अभी चाय बन रही है बिना दूध के काली मिर्च लौंग और ग्लास भाई मस्त है भाई। ले देखो भाई घुघुती जैसे हमारे घर पे आते हैं ना सुबह सुबह 4-5 घुघुत वैसे यहाँ पे भी एक कार का देखो भगाओ उसको भगाते नहीं उसको उड़ रहा देखो उड़ के ऊपर। और ये सब देखो चौक में जखे के पेड़ हो गए बहुत सारे जखे ही जखे देखो तुलका बनता है इसका मस्त। क्या पी रहे हो आप क्या है ये दारू चाय है चाय रम रम है चाय है चाय है चाय। तो अभी मुँह हाथ धो के फ्रेश हो चुके हैं और धूप भी आ चुकी है भाई सूर्य देव तो नज़र नहीं आ रही पर धूप आ गई है भाई मेरे ख्याल से सूर्य देव यहाँ ऊपर से आते हैं इधर से यहाँ लग रही है कि बारिश भी हो जाएगी यहाँ पे थोड़ा बहुत बरखा बरसा बारिश बारिश। तो अभी मैं जा रहा हूँ पंकज को लेने के लिए पंकज भी आ रहा है क्योंकि फिर साथ में जाएंगे घर को मैं और पंकज मामा को मिल के है ना। तो अपनी धन्नो यहाँ पे खड़ी है देखो वाव धन्नोज। तो ये लोकेशन है बाकली और इससे 500 मीटर की दूरी पे नायरा फ्यूल स्टेशन है और यहाँ पे मंदिर है देखो यार बहुत यार जुड़ी है इस मंदिर से यार जय सतगुरु गोरखनाथ महाराज की जय भैरवनाथ। तो पंकज जाने वाला कुछ देर बाद बस में आ रहा शायद। तो पंकज से पहुंच गया मैं देखो धीमे धीमे कदमों से यार ये बाइक पता नहीं बंद क्यों हो रही है झटझट करके यार मोड़ने में दिक्कत हो रही है। अमरेंद्र बाहुबली टा 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 टा
नाश्ता ज्यादा हो गया शायद आज। अरे बस में जान निकल गई। इतने तो पंकज मिलता है भाई नानी से और मम्मी से। वह कच्चे आम के मजे लेते हुए, हालांकि यहाँ पे एलर्जी भी होगी, एलर्जी हो चुकी है, पर छोड़ेंगे नहीं हमें से। तो जी धान कब का धान इस बार का है? इस बार का है। यह चौखुटे का धान, गाजा का धान है, गाजा का। देखो भाई लोग यहाँ सिर लगा रहे, रोपाई हो रही है खतरनाक वाली। देखो तो अभी पंकज को एक लोकेशन पसंद आई है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, है ना। चलो ऊपर चलते हैं वहाँ पे लोकेशन। वैसे तो पहाड़ों में फोटोग्राफी मस्त होती है, पर आजकल ग्रीनरी है इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है, मस्त ज़बरदस्त। तो सब लोग आजकल घर आए हुए थे क्योंकि जून की छुट्टियाँ लास्ट एंड पे है अभी। देखो तो अभी चलते हैं, मामा लोग पहुँच चुके हैं घर पर, मौसी लोग पहुँच चुके हैं, तो चलो चलते हैं उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है उसके बाद। क्यों जी क्या कहने, प्रकृति के हसीन नजारों के बीच, हसीन नजारों के बीच से आनंदित लग रहा है, महसूस कर रहे हैं बोला हम। तो अभी हमारे मामा जी और मौसी जी पहुंच चुके हैं, ये बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हमको, बहुत टाइम बाद। नमस्कार नमस्कार, उनको तो प्रणाम करके आ गया मैं, आप ही बचे हुए थे अच्छे से। बहना मेरी बहना, आओ मिलो, खुश तो बहुत होंगे ठाकुर तुम आज। ठाकुर आते ही छांस का आनंद लेते हुए यहाँ पे अर्जुन सिंह बोले तो पी के देखो, मैं ये ताऊ जी को समझा रहा था इस चीज के बारे में। अच्छा। ताऊ जी मुझे कुछ और पिला रहे थे और उसमें इसमें फर्क है, अब पियो उसको और फिर बताओ। अरे ताऊ जी को भी बताना कि मैं क्या कर रहा था। पियो, अरे छोरा पियो पियो, खटो सो पकड़ो, मामा पियेंगे पकड़ दिए। अरे तिल पूरी लस्सी ना भी पीवा तो कुलचा खाना खाना रोज, कुलचे तो बिना तो गल बननी नहीं, या भठूरे आ जाए कुछ भी आए। मैं दरबार साहब वग जाना ते बस लंगर प्रशादा छक के फिर आना, पूरी तसल्ली का। ये लोग हमको आज झोली भात खिला के भेजेंगे यहाँ से, झोली भात खिलाएंगे हमको। चप्पलों की हालत देखो भाई, चप्पल क्या चप्पल पहने, चप्पल तोड़ना मत तो भाई। वाह भाई यह मामू दी गड्डी, तो खाना पीना हो चुका है सबका, अब हम निकलते हैं घर के लिए। मैं पंकज, हम आएंगे तीसरे दिन में जब माँ बुलाएगी। पंकज उधर है, चले फिर सर। तो अभी हमारी तैयारी, उस्ताद चला रहे हैं, उस्ताद चला रहे हैं। मेरे को ऐसा लगे गियर की आदत नहीं है ना, मैं पल्सर चलाता हूँ उसका आगे कोई होता है गियर दोस्तों। अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल पहाड़ में और कुछ प्रसाद हम पहुँच जाएंगे। जमनिया
खाल व खाल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महलचोरी में। देखिए भैया यहाँ महल की चोरी होती है। हाँ भैया बीच में क्या होता है, सेकंड पढ़े ना रहेंगे, सेकंड पढ़े ना रहेंगे बीच में भाई, है ना, सेकंड पढ़े ना क्या कर रहे हैं। वाह क्या बाइक चलाती है तुम्हें, मजा आ गया, क्या बाइक चलाती है। अभी हम पहुंचे हैं परसों में जहाँ की पंकज का ननिहाल है और पंकज कुछ सामान ले रहा है यहाँ से, पता नहीं क्या ले रहा है। देखो तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव डांगीधार के पास में और आज बाइक चलाई है पंकज ने पूरी, तो आराम मिल गया बहुत। हाँ क्या मौसम हो रहा है, वही यहाँ भी बारिश वाला मौसम हो रहा है। हमारे चाची की गाड़ी, चाची की, और अपना गांव, अपना घर, अपने धन्नो, ये पंकज। तो अभी नहाने धोने के बाद हम बैठे हैं सुकून से और सामने देखिए आप लोग दो पक्षी बैठे हैं, देखो जंगल के पक्षी, देखो उड़ गए, और ये हमारे घुघुती, देखो। तो ये है शाम का नज़ारा गोलोक के पास से, और ये है हम। हाँ